नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यूं तो हमेशा ही अपने बयानों को लेकर विवादों में और चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार वे शिक्षकों के सम्मान में बात करते नजर आए और एक ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी वाहवाही हो गई। दरअसल शिक्षा मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के लिए। वहां उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब राजस्थान में थर्ड ग्रेड के शिक्षक नहीं होंगे। चौंकिए मत, नहीं होंगे से शिक्षा मंत्री का मतलब है कि अब थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को इस नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अध्यापक कहा जाएगा। वाकई में बेहद संवेदनशील है राजस्थान के शिक्षा मंत्री। चलिए आपको अब इसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। दरअसल शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षकों का थर्ड ग्रेड पदनाम बदलने की घोषणा की है। डोटासरा का कहना है कि अध्यापक समाज में सबसे सम्मानित और पवित्र पेशा व सेवा का कार्य है, लेकिन जब लोग उन्हें थर्ड ग्रेड बोलते हैं तो सुनने में अजीब लगता है। कहीं भी जाते हैं तो सभी के मुंह से सुनने मिलता है कि साहब थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर कब होगा। वैसे आपको बता दें कि थर्ड ग्रेड यानी अध्यापकों के ट्रांसफर का मुद्दा राजस्थान में बड़ा है। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले बताते हैं शिक्षा मंत्री ने आगे क्या कहा। डोटासरा ने कहा कि जिस प्रकार फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों को व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के शिक्षकों को वरिष्ठ अध्यापक बोला जाता है, वैसे ही अब थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को भी अध्यापक ही बोला जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। जल्दी ही पदनाम बदलने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुहर लगाएंगे और विधिवत घोषणा भी कर देंगे। वहीं थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर आश्वासन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तबादलों के लिए 85,000 आवेदन आए हैं, जिसे लेकर पॉलिसी बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जो तैयार होते ही शिक्षकों के नियमानुसार तबादले किए जाएंगे। खैर, ये दिलासा न जाने कब तक शिक्षा मंत्री देते रहेंगे और कब पॉलिसी तैयार होगी। वैसे शिक्षा मंत्री का पदनाम का फैसला संवेदनशील जरूर है, पर यह भी समझना होगा कि अभी थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों की ज्यादा जरूरत है। नमस्कार।